प्रकृति का ये नज़ारा भला किसको अच्छा नहीं लगेगा। कितना आनंदित हो रही है हमारी ये गौ माता, किस तरह से जल का पान कर रही है हमारी ये गौ माता। इस स्थान के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं यहाँ की खूबसूरती को कैमरे के माध्यम से कैमरे में कैद करना चाह रहा हूँ। यहाँ मवेशी, पशु, गौ माता, इधर बकरियाँ, ये एक नदी है बसंतगढ़ से आगे, और यहाँ अगर हम सामने देखेंगे तो एक अद्भुत मंदिर है, अद्भुत मंदिर है माता जी का, आशापुरा माता जी का। आज हम उस मंदिर के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन देवनगरी सिरोही की महिमा इसी रूप में है कि यहाँ जल, जंगल, जमीन की बहुत देखभाल की है, लगातार देखभाल की है। हम यहाँ देख सकते हैं गौ माता ने पानी में प्रवेश किया, पानी पिया और बिना किसी गड़बड़ के वापस बाहर निकल गई। ये आज का एक सुखद नज़ारा हम आपको आज बताना चाह रहे हैं। हम आज एक ऐसे मंदिर में पहुँचे हैं जो महाराणा कुंभा का बनाया हुआ है, आनंद आ जाएगा। श्री माता जी का मंदिर, हम फिर कह रहे हैं कि ये एक सामने से नदी बहती है, वैसे बरसाती नदी है, लेकिन सामान्य बारिश के बाद भी ये नदी महीनों तक बहती है, क्योंकि हम हर तरफ, चारों तरफ ये जो अरावली पर्वतमालाएं हैं उनमें बरसने वाला पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, ये एक आश्रम नुमा पहाड़ की टेकरी के ऊपर एक मंदिर है अम्बे माँ का। आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस मंदिर में पहुँचे हैं। यहाँ 1515वीं सदी का ये मंदिर बताते हैं, मंदिर है और एक आश्रम नुमा मंदिर है। यहाँ महंत विराजते हैं, स्वामी जी विराजते हैं, और ये मंदिर बहुत कमाल का है। सबसे बड़ा कमाल ये है कि इस यहाँ घना जंगल है, एक जिसको कहते हैं कि रमणीक वन है, और ये मंदिर है। इस मंदिर में यहाँ हमको आज हुकम सिंह जी मिले हैं, जो बसंतगढ़ के निवासी हैं। हम इनसे इस मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे, और ये मंदिर हम मंदिर के बारे में जानकारी लें उससे पहले हम माँ के दर्शन करें, माँ की दिव्यता के दर्शन करें, माँ की उस प्रतिमा के दर्शन करें, और बिल्कुल नज़दीक से हमें दर्शन करवाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। माँ को बसाने साहब, वो माँ जो जिसके नाम से कल्याण जुड़ा हुआ है, जिसके जो कल्याणकारी है, अपने भक्तों की रक्षा करती है और हमेशा से रक्षा करती आई है, हमेशा रक्षा करती रहेगी। ये भव्य, अति भव्य प्रतिमा यहाँ हम देखते हैं कि भैरव हमारे सामने यहीं के हुकम सिंह जी हैं। हुकम सिंह जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद करता हूँ, आप भाग्यशाली हैं, आप बसंतगढ़ में रहते हैं। ये बसंतगढ़ की भूमि तपोभूमि है, वीर भूमि है, क्योंकि यहाँ महाराणा कुंभा के बहुत, जिसको कहते हैं कि ऐसे प्रमाण हैं कि उन्होंने यहाँ सालों साल रहे। क्या कहेंगे आप मंदिर के बारे में, क्या कहेंगे हुकम सिंह जी? सर, मंदिर के बारे में, ये महाराणा कुंभा के समय में 1527 ईस्वी में स्थापित की हुई मूर्ति है। जय हो, जय हो। ये माँ अम्बे की मूर्ति है जी, और महिषासुर मर्दिनी इनका माता जी का असली नाम है। अरे वाह 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 वाह, इनका भी श्रृंगार किया हुआ है। हम जब यहाँ स्नान करवाते हैं तो इनका फोटो, राक्षस महिषासुर का सर इनके हाथ में है जी, पाड़े को त्रिशूल से मारा हुआ है, ऐसी मूर्ति है जो अपन फोटो में देखते हैं, सेम ऐसी कैसी मूर्ति है। और ये देसी पत्थर की मूर्ति है, यहाँ का जो स्थानीय पत्थर है जी, उस जी, पत्थर के पुराना पाषाण की मूर्ति है जी जी जी। और महाराणा कुंभा के समय में मंदिर बना हुआ था, पुराना मंदिर जीर्ण चूर्ण हो चुका था, तो चवरली और बसंतगढ़ दोनों गांव वासियों के बॉर्डर पे, किनारे पे स्थित है माता जी। हाँ, दोनों गांव वालों ने मिलकर, आसपास में 10-12 गांव वालों ने मिलकर के मंदिर का जीर्णोद्धार किया 1980 ईस्वी में। ओहो, धन्य। मंदिर का जीर्णोद्धार करके पुनः यही मूर्ति स्थापित की। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और आज भी ये जंगल में बिल्कुल है, यहाँ पे बिल्कुल माता जी के पूरे एरिए में, क्षेत्र में इतनी सुरक्षित, और बिल्कुल जो चोरी चोरी जगह। हम ये एक सवाल उठता है कि कई बार मूर्ति चोरी की भी बात आती है,
पर माँ तो साक्षात रक्षा करती है, साक्षात ये तो सबका श्री, श्री में जो ये बोल ब्राह्मण है, श्री के पास में बोल गांव है, जी जी जी, के जो ब्राह्मण है जी, वे ब्राह्मणों की कुलदेवी भी है, और हर साल बॉम्बे से और गोल से पालड़ी एम से यहाँ पे नवरात्रि में और 12 महीने में वो ब्राह्मण यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते रहते हैं। चवली और बसंतगढ़, कोजरा, हाँ हाँ, आदर्श, पेशुआ, अजारी, आसपास के जो 5-6 गांव है जी जी, उनकी भी ये कुलदेवी मतलब नहीं, जो कहते हैं ना अपने खूटा होता, खूटा कहते हैं जो स्थानीय होता है ना, हाँ हाँ, जब राजा महाराज के समय में कोई जगह नगर स्थापित करते थे, हाँ तो उसमें खूटा होता था, जो ये खूटे की देवी है। ओए होए 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 होए, आप भैरव हैं, ये काल भैरव, गोल भैरव, तो भैरव जी, अरे वाह, बिल्कुल माँ के सबसे प्रिय है, माँ का परिवार है, गणपति जी है, इधर हनुमान जी महाराज हैं, बिल्कुल, और पास में रामेश्वर जी का भी मंदिर है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ कोई विराजते हैं संत? यहाँ पे एक संत विराजते हैं जी जी, महंत कृष्णदास जी महाराज विराजते हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। कृष्णदास जी महाराज बहुत मेहनती हैं, वो यहाँ पे 15-20 साल से हैं, उन्होंने पास में बहुत बड़ा अच्छा बगीचा लगाया है, यहाँ पे तरह तरह के आम लगे हुए हैं, रुद्राक्ष का पेड़ भी है, बहुत ही जड़ी बूटियों के पेड़ भी है, वो आयुर्वेदिक की गाथा भी है, भजन भजन कीर्तन, और क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। आज हम इस बात अनुमंडल के उनके कोटवाल भी है, आए 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 आए, रेंद भी है यहाँ पे, हमारे साथ में कुछ भक्त दिखाई दे रहे हैं, मैं भक्तों से जरूर आ लूंगा आपका भाई, दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी कृपा है जी, और जी, जो भक्त यहाँ पे तन मन से एक बार आ जाता है, अपनी मनोकामना यहाँ पे जो कर रहा है उसकी मनोकामना पूरी होती है, बस 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 बस, इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। हाय 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 हाय, आप कहाँ से आए हैं हुकम जी? हम बूंदी से आए। आप बूंदी से, आप अलवर से? अलवर से। क्या बात है, और आप? जयपुर। सर मैं अलवर से, सिरोही में हमारी पोस्टिंग है, यहाँ माता जी के दर्शन करने के लिए। क्या बात है, ये मैं उस बगीचे को दिखा दूं और उस रामेश्वर महादेव मंदिर के भी आपको एक बार दर्शन कराऊं। इसी स्थान पर श्री रामेश्वर महादेव मंदिर है, ऐसा हमको हुकम सिंह जी यहाँ के स्थानीय बता रहे हैं कि शिवलिंग उसी समय का है जो बाहर था जी। एक यहाँ पे पुराने हमारे जो बुजुर्ग हैं, पुराने जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी मान्यता है, उनका कहना है, हाँ, कि जो मोर मारना के पास में रामेश्वर जी का जो मंदिर है ना जी जी, वो मंदिर शिव और शक्ति जी, उन लोगों का संगम था, और माता जी और दोनों की दृष्टि बिल्कुल एक रेखा में आमने सामने थी रामेश्वर जी में। रामेश्वर जी जो रामेश्वर जी का मंदिर है, हाँ हाँ, माले रामे, हाँ हाँ, उनकी और माता जी की दोनों की दृष्टि आमने सामने, ओह इस माता, यहाँ से इसी माता जी, ओ बिल्कुल दृष्टि आमने सामने, अरे वाह, सर बताते गुरु जी की इनके माता जी के इनके आपस में कैसा कुछ मन मोटा हो गया, तो शिव जी का शिवलिंग तो इन्होंने पार कर दिया, ओ शिवलिंग, हाँ, तो पुराना एक खेजड़ी का पेड़ है उसके नीचे शिवलिंग पहले स्थापित था, हाँ हाँ, फिर धीरे धीरे सबने वो चंदा और इकट्ठा करके ये छोटा सा मंदिर बनाया, और मंदिर में ला करके शिवलिंग स्थापित किया, और माता जी की नजर थोड़ी सी तिरछी उसमें हो गई, मन मोटा हो गया, ऐसे बताते हैं। अरे वाह वाह वाह, देखिए अभी आप मंदिर में अगर देखोगे ना गौर से मूर्ति को देखना, तो थोड़ी सी मूर्ति सीधी लगी, उसका थोड़ा सा चेहरा यूं टेढ़ा है, तिरछी नजर है, तिरछी नजर है, ठीक है, हम पूरा शिव मंदिर है, शिव परिवार है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिव परिवार, जय जय हो, और इधर ये इसे में धर्मशाला है, ये हम देख रहे हैं यहाँ धर्मशाला है, और ये विराजते हैं वो उनकी कुटिया है। सबसे अच्छी बात ये, हम परिक्रमा के साथ इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ये यहाँ का परिक्रमा मार्ग है, और देखिए हमको मंदिरों में आना चाहिए, बहुत हम देव दर्शन की हर यात्रा के साथ इस बात को कहते हैं कि मंदिर समाज की आस्था के केंद्र होते हैं। ये जो तुलसी है ना, जी तुलसी इतना भर रहती, सूखती भी नहीं है जी, और अगर ये सूख भी जाती थी इसके नहीं, तुलसी अपने आप ऑटोमेटिक जब मंदिर स्थापित, मूर्ति और मंदिर जिन्हों दिखा उसमें, क्या क्या अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मैं इस बगीचे के साथ मेरी बात को विराम दूंगा, मैं बगीचा होना चाहिए। एक बात हम अक्सर कहते हैं, मंदिरों के साथ हरियाली होनी चाहिए, और ये जो जो एक हमारे हुकम सिंह जी बता रहे हैं कि यहाँ पहाड़ी के ऊपर एक ये टेकरी पे मंदिर है, तो ये पहाड़ी थी, लेकिन इस पहाड़ी को जो घना जंगल का स्वरूप दिया है, जिसमें फलदार आम और तमाम पौधे लगाए हैं, इसके लिए सच में साधुवाद है, और प्रकृति की इससे बेहतर पूजा नहीं हो सकती, प्रकृति रूपी ईश्वर की इससे कोई बेहतर पूजा नहीं हो सकती। हम पुष्पमाला चढ़ाएं,
उससे कई गुना बेहतर है कि हम इस तरह से जीवित पुष्पों से इनका श्रृंगार करते हैं। मैं राजेंद्र नरू का हर हमेशा आपको ये प्रयास करता रहूँगा कि आप ऐसे मंदिरों में पहुँचें। हमारे पास एक ये सुविधा है, हमको अगर एक एनर्जेटिक रहना है, हमको कभी ऐसा लगे कि हमको कभी थके नहीं, हम रुके नहीं, उसके लिए हम ऐसे मंदिरों में ज़रूर पहुँचे हैं। यहाँ हम ये देख सकते हैं नारियल से लेके, खजूर से लेके, आम से लेके और तमाम पौधे, और जिसको हम कहें कि डेंस फॉरेस्ट इन्होंने बनाया है। हुकम सिंह जी, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम इस मंदिर में आने का मैं मार्ग जरूर बता दूं, सिरोही मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर होगा ये स्थान। अजारी आना होता है पिंडवाड़ा के पास होके, और अजारी से बसंतगढ़, और बसंतगढ़ से और 2 किलोमीटर अंदर पहाड़ी के पास ये मंदिर है, नदी के किनारे, और बहुत खूबसूरत नदी है जो कई महीनों तक बहती है। जय अम्बे माँ, जय श्री रामेश्वर महादेव, जय भवानी।